At that time, मुझे याद है मेरे पास टोटल 10 रुपए थे सिर्फ. So with 10 rupees in pocket, breathing everything was like it was not something which anyone can think of. मेरे केस में क्या हुआ कि thankfully मुझे कोई mentor नहीं मिला. उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? किसी ने मुझे कहा नहीं कि पैसे कमाने के लिए पैसे की जरूरत होती है. मुझे लगा कि पैसे तो कमा सकते हैं बिना पैसे के भी. And that's how I was able to start off. Welcome to a new episode of Influence Talk. Aaj, for all our viewers, I'm very, very, very excited. You know why? Pehli baar Forbes mein feature ek aise shakhs ka interview mein leke aayi hu aapke liye. Are you excited to know more about him? Main thoda aapko unke baare mein bol hi deti hu. He was listed in Forbes Asia under 30 honoree. दिमाग में आपके आ रहे होंगे कुछ नाम. वेल, मैं थोड़ा और हिंट देती हूँ. ही लाइक्स टू बिल्ड न्यू कंपनीज एंड इज अ ग्लोबल इन्वेस्टर. ही इज ऑल्सो अ मेंटर एट द अटल इनोवेशन मिशन बाय द नीति आयोग एंड एडवाइजेस वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया. आई थिंक आपके दिमाग में तो आ गया होगा नाम, मैं किसके बारे में बोल रही हूँ. सर, वेलकम टू इन्फ्लुएंस टॉक. थैंक यू. So Ashwin ji, Forbes Asia's under 30, how exciting was it for you? It was quite exciting. It was 2 years ago. But more than excitement, it was also a responsibility. Okay. Because Forbes Asia under 30 ka meaning hota hai, this is the list of people who will be, who's expected to be in the Forbes richest list, yeah, or the Forbes most powerful list in the future. Yeah. So yeah, so I think I am well on track towards that. Let's see. Okay. So पहले I will like to ask you some interesting facts. जैसे आपका ये जो journey है and you're famously known as a guy जो zero से hero बने हैं. तो वो जो आपका आपके life में जो phase था, जो कुछ जहाँ पे आपके मुंह पे दरवाजे बंद हुए होंगे, कभी कभी दरवाजे खुले भी होंगे, ये जो स्ट्रगल हुआ होगा आपके लाइफ में जब बिफोर स्टार्टिंग दिस बिग वेंचर, बिग यू नो आपके तीन बड़े बड़े कंपनीज हैं, कैन यू प्लीज रिमेंबर दोज मोमेंट्स एंड टेल अस अबाउट देम? या आई मीन स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ द लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. एंड यस, यू आर राइट. आई मीन इन माय केस आल्सो इट स्टार्टेड ऑफ विद नथिंग. सो आई वाज इन, मैं था आईटी बॉम्बे में था फर्स्ट ईयर में, और उस समय मैंने डिसाइड किया कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है. और एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो कि जिसने, और आई वाज ऑन मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप, तो ऐसा नहीं था कि एट दैट टाइम मुझे याद है मेरे पास टोटल 10 रुपए थे सिर्फ. सो विद 10 रुपीज इन पॉकेट, ब्रीथिंग एवरीथिंग वाज लाइक इट वाज नॉट समथिंग व्हिच एनीवन कैन थिंक ऑफ. मेरे केस में क्या हुआ कि थैंकफुली मुझे कोई मेंटर नहीं मिला. उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, किसी ने मुझे कहा नहीं कि पैसे कमाने के लिए पैसे की जरूरत होती है. मुझे लगा कि पैसे तो कमा सकते हैं बिना पैसे के भी. एंड दैट्स हाउ आई वाज एबल टू स्टार्ट ऑफ. जहां तक रही इन टर्म्स ऑफ पीपल सेइंग नो, इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसेस. यू विल फर्स्ट नॉट गेट क्लाइंट्स, उसके बाद ये देयर यू कीप ऑन गेटिंग, बट दैट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द प्रोसेस. आज भी होता है, आज भी देयर सो मेनी क्लाइंट्स विल नॉट लेट्स से बाय द प्रोडक्ट्स व्हिच आई मेड, बट दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. बट यस, now it's much better because now you have built a brand jo ki it's respected and valued by people. Aapke teen bade bade companies hai, GMI, Sapio, Cancer Rounds, inke bare mein zara batayenge. So GMI jo hai wo people management pe focus karti hai. Iska concept ye hai ki duniya ka har aadmi, har working professional basically एक बेहतर पीपल मैनेजर बन सकता है. आज के डेट में क्या होता है ना, हम लोग स्किल्स पर फोकस करते हैं कि यू कैन गेट मोर, गेट लेट्स से नॉलेज अबाउट डोमेन्स, तो डोमेन की नॉलेज पर फोकस करते हैं. बट बहुत बार लोग स्टाइल जो होता है कि लोग पीपल मैनेजमेंट रिलेशनशिप कैसे बनानी है उस पर फोकस नहीं करते हैं. तो दिस इज अ कंपनी विच फोकसेस ऑन बिल्डिंग पीपल मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल्स, और वो करती है हमारे पास जो मेंटर्स होते हैं उनके थ्रू करती है. साथ ही साथ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कोच बना हुआ है जो ये काम करता है. सो इट्स अ वेरी हाई टेक काइंड ऑफ अ थिंग कंबाइंड विद अ स्ट्रांग हाई टच मॉडल. तो ये चीज है. डॉक्टर मार्शल गोल्डस्मिथ हमारे ब्रांड एंबेसडर है. ही इज द वर्ल्ड्स नंबर वन एग्जीक्यूटिव कोच. सो दैट्स अबाउट जीएमआई. सेपियो जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट के साथ काम करती है, एंड आइडिया इज दैट वी आर क्रिएटिंग एआई सिस्टम्स
जो कि गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग करने में डिसीजन मेकिंग करने में इज दे सके. सो इट्स अ यू नो इट्स लाइक इट्स अ थिंग व्हिच इज अलाउइंग अस टू क्रिएट लॉट ऑफ इंपैक्ट, जेन्युइन इंपैक्ट, बिकॉज़ आज गवर्नमेंट सिर्फ इंट्यूशन पर नहीं बल्कि हमारे बनाए हुए एआई सिस्टम्स के बेसिस पर डिसीजंस ले सकती है. So that's another thing. Cancer Rounds is another very interesting company. It started off initially as a medical tourism company, but later we realized ki focus cancer par karna chahiye, and the idea was to create a virtual comprehensive cancer hospital. So it's a virtual comprehensive cancer hospital jahan par cancer ka full treatment A to Z hota hai in a virtual manner. ट्रीटमेंट कैसी मिलनी चाहिए. मेनी टाइम्स कैंसर से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कैंसर का ट्रीटमेंट. फॉर एग्जाम्पल यू गो टू डॉक्टर इफ दे नो कीमोथेरेपी दे विल टेल यू टू डू कीमोथेरेपी ऑन, जबकि हो सकता है उसके इसमें कीमो के अलावा किसी और तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है. सो पहला बात रही करना क्या है, उसके लिए डेटा की जरूरत होती है, उसके लिए बहुत सारे एनालिसिस की जरूरत होती है. तो वहां पर ही सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज द राइट वे टू डू द ट्रीटमेंट. सो इसीलिए यहाँ वर्चुअल वर्ल्ड है वहां पर, बिकॉज ये जो चीज होती है उसके लिए डोंट नीड अ फिजिकल थिंग, यू नीड द राइट गाइडेंस वर्चुअली कि कौन से तरीके से ट्रीटमेंट करनी है. एंड देन उसके बाद कैंसर ट्रीटमेंट इज नॉट ओनली अबाउट जो ऑनकोलॉजिस्ट है, इट्स ऑल्सो अबाउट डाइटिशियंस, इट्स ऑल्सो अबाउट अ मेंटल वेलनेस एस्पेक्ट, बिकॉज पीपल लिव लॉन्गर and have a better quality of life if the, these other ancillary things also taken care of. Okay. So, ये भी हम लोग provide करते हैं जो कि otherwise बहुत hospitals में नहीं मिलता है. So, yeah, so, and ये सारी चीजें भी virtually provide किया सकती हैं. Okay, so जिनको भी ये सब services लेनी है, they can go to your website. Cancer Rounds, yes. Okay. तो ये भी बताइए कि how easy is it for any youngster, anybody watching this show, looking up to you, who has a dream of becoming an entrepreneur, how easy is it for them? Actually, interesting question hai, because ye us individual ke dreams par bhi depend karta hai. Not everyone is someone who would like to do it this way. But agar passion hai, there's only one thing which I say, skills secondary hai, you know, baki sab kuch secondary hai, passion hona chahiye, genuine desire hona chahiye life mein. Agar genuine passion hai, to sab kuch easy hai. पैशन है तो कॉन्फिडेंस भी आता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज भी आती है, एंड यू अचीव इट. सो इफ समवन इज एबल टू बी क्लियर ऑन व्हाट ही और शी वांट्स टू अचीव, वो क्लैरिटी है लाइफ में कि मुझे यही करना है, और साथ साथ उस चीज के लिए पैशन है, तो इजी है. ओके, बट कैन दे स्टार्ट लाइक एज यू सेड, आप तो 10 रुपीस से शुरू. एग्जैक्टली, दे कैन. अभी भी दे कैन डू इट, एनीवन कैन स्टार्ट. सो मैं इस चीज को बार बार बोलना चाहता हूँ कि पीपल थिंक दैट यू नीड मनी टू बिल्ड मनी, ऐसा नहीं है. यू नीड पैशन टू बिल्ड मनी, दैट्स इट. अब उसके पीछे लंबी कहानी कि 10 रुपए से कैसे शुरू हुआ, वो बहुत लंबी कहानी चली जाएगी, बट इट कैन हैपन. ओके, इट कैन. एंड अनदर क्वेश्चन दैट्स कमिंग इन माय माइंड इज, ये जो स्टडीज होते हैं बिजनेस रिलेटेड, वो पढ़ना जरूरी है या हम जिंदगी से ही एक्सपीरियंस से भी वी कैन गो एंड स्टार्ट आवर ओन बिजनेस? सो आई वुड से टू थिंग्स हियर. एक तो ये कि मैंने बिजनेस की चीजें पहले तो नहीं पढ़ी, मेरी आई हैव लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, बट अभी बहुत सारे एक्सपीरियंस शायद ना मिल रहे हैं मुझे. Okay. तो उसके लिए आई नीड टू कीप ऑन स्टडीइंग सम गुड बुक्स आल्सो. सो आई वुड से कि रीडिंग जरूरी है, बट उस पे रिलाई नहीं कर सकते. एक्चुअल जो नॉलेज आता है वो तो मेरा मानना है कि लाइफ एक्सपीरियंस आता है. मैं तो ऑनेस्टली बोलूं, मैं तो जैसे डिग्रीज में बहुत बिलीव नहीं करता हूं, ऑनेस्टली. आई डू नॉट बिलीव इन एमबीए डिग्रीज एंड ऑल दोस थिंग्स. द कांसेप्ट इज दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, यू नीड टू लर्न फ्रॉम लाइफ. लाइफ इज द बेस्ट टीचर दैट देयर कैन बी, एंड यू नीड टू पुट योरसेल्फ इन सिचुएशंस व्हिच अलाउज द लाइफ टू बिकम योर टीचर. अगर तुम बिल्कुल शेल में बंद रहोगे हमेशा, तो लाइफ को कभी मौका मिलेगा नहीं तुमको सिखाने के लिए. तुम बाहर जाके लाइफ से लड़ाई करोगे, देन ओनली लाइफ विल टीच यू. सो यू नीड टू गो आउट देयर एंड डू क्रेजी थिंग्स, टेक रिस्क्स, यू नो, नॉट जस्ट सिटिंग इन अ सेल एंड इन अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट. जाओ और अजीब अजीब काम करो, जस्ट गो एंड टेक दैट रिस्क, एंड दैट्स हाउ यू विल बिल्ड एंड अलाउ द लाइफ टू स्टार्ट टीचिंग यू, लाइफ टू बिकम योर टीचर. ओके, एंड सो आई वुड आल्सो लाइक टू नो कि इफ देयर इज अ बुक रिटन ऑन यू, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द बुक? Okay, that's interesting again. So my life is something which I feel since it's come from zero. So I like to look at myself as someone who is a common person, but there has been a very uncommon journey. So something like an uncommon journey of the common man. Okay. Something like that.
And we jab aap Bihar jaate hai, Sahibganj, you were, I think you grew up there. Yeah. I think you studied till 10th grade. Yes. 10th standard tak aapne wahi pe padhai ki. So did you ever think, do you ever envision ki main kabhi Forbes list mein listed hunga ya aage kahan kahan apna business empire khadi karunga? Actually kabhi nahi socha tha, honestly I tell you. Aisa nahi tha ki bachpan se I was thinking ki aisa kuch karna hai mujhe. लाइफ में मुझे बस मुझे एक चीज मेरे फादर ने सिखाई थी, वो ये था कि यू नीड टू डू एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग टुवर्ड्स बीइंग हैप्पी. ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट था. और वो लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं लोग चीजों को. सिंपल कॉन्सेप्ट कि तुम जो काम करो वही काम करो जिससे तुमको खुशी हो रही है, एंड देन लाइफ विल टीच यू एंड टेक यू इन इट्स राइट जर्नी. मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट उस समय कुछ नहीं था. उस समय था क्या, खुशी मुझे होती थी अच्छे मार्क्स लाने से, तो मैं वही करता था. I used to be among the toppers, yes. Okay. Yes. So, उस समय खुशी उसी से होती थी. उसके बाद when I came to IIT Bombay, then I realized कि मुझे खुशी होगी by building new companies, because somewhere down the line I felt कि मैं वो इंसान हूँ ही नहीं जो कि किसी के अंडर काम कर सकता, आज भी नहीं हूँ मैं. So मुझे realize कि मेरी खुशी तभी हो सकती है जब मैं कुछ अपना बनाऊँ. That's how it kept on getting built. Simple concept of life. The aim is to always be happy. And I always say, it sounds a little morbid, but the point is that when you die, then you should have a smile on your face. If that is achieved, then you have been successful. Okay. Wow, big, big lesson for all of us. Biggest tip for all of us is to be happy in our lives. Where do you see yourself in the next 10 years? Okay, so I say this to people and sometimes they do not believe me, but the thing is that I believe that I have not even scratched the surface of what I have to achieve. Abhi kuch nahi kiya hai jo karna hai. Abhi koi billion dollar company nahi banayi hai abhi tak. Multi-billion dollar companies ban chuki hai bahut sari, but billion dollar nahi hui hai. Billions of lives impact nahi kiya hai. Again, billions of lives kiye honge, billions nahi kiye hai. The point is simple. 10 years from now, I see very clearly impacting multi-billions of lives out there. And genuinely impacting and changing lives. जहाँ पर लोग बदल रहे हैं, उनका पूरा उनके आसपास का environment बदल रहा है because of things which I am doing. Wow, and I think our Indian economy will be also grateful to people like you. Yes, I think so. I hope so. So again, खत्म करने से पहले मुझे भी entrepreneur और business businessman and being and an entrepreneur के बीच में जो difference है. Always, that's a true entrepreneur. So that is something which is part of your life, part of your philosophy in life, and that's the biggest difference between entrepreneurship and businessman. And I myself believe that I'm an entrepreneur. Okay. Thank you so much, Ashwin Srivastava ji. I mean, aapse baat karke, I've learned so much, and you are seriously a very big influential force in the world. And so far, we have had on Influence Talk. And the next 10 to 20 years, people will be referencing this video to go ahead in live and listening to you. Because you have told your dreams, people will like to see how and where is the impact of Ashwin Srivastava Ji's companies. So we send our best wishes to you from Team Influence Talk. Thank you viewers for watching.